अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज के एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के बारे में, और हम क्वेश्चन नंबर सिक्स को इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये है कि आप क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है आपके एक सॉफ्टवेयर, इसमें आप वो इंटर करेगा, और वो सॉफ्टवेयर ऑफकोर्स आपने बनाना है, और मार्क्स इंटर करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो ये देखेगा कि मार्क्स जो है अगर 33 से ज़्यादा हैं या 33 हैं तो वो पास होगा, और अगर 33 से कम होंगे तो फेल होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको बनाने से पहले आपको इसका एल्गोरिदम लिखना है, और एल्गोरिदम ही हमने जो है वो इसमें डिस्कस करना है। तो पहले हम प्लान करेंगे सॉल्यूशन को, तो पहले इनपुट हम लेंगे। तो सॉल्यूशन में कैसे हम प्लान करते हैं, हम ये इसमें यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आपकी इनपुट क्या होंगी, आपकी कैलकुलेशन क्या होगी और आपकी आउटपुट क्या होगी। तो इनपुट हमारी क्या है, इनपुट हमारे हैं हम मार्क्स लेंगे, ठीक है, फ्रॉम अ कीबोर्ड। प्रोसेसिंग क्या होगी, हम चेक करेंगे कि अगर मार्क्स जो है 33 या 33 से ज़्यादा है तो पास है, अदरवाइज वो फेल है। और आउटपुट क्या होगा, हम स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमने प्लानिंग कर ली यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है एल्गोरिदम जो है वो एक रेसिपी होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन का जो है वो पूरा सोल्यूशन आपको बताता है, ठीक है। इन स्टेप्स को करेंगे तो हमारा सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो स्टेप वन में क्या करें, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे कहेंगे कि जी लेट्स, हमारे जो मार्क्स हैं वो एम है। तो यूजुअली जब आप कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपका जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, मार्क्स होगा, ठीक है। वेरिएबल होगा वो एम होगा, ठीक है। तो यह आपने कंसिडर किया कि आपके जो मार्क्स हैं वो एम के अंदर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने जो है स्टेप वन में हमने ये कंसिडर किया कि जो एम है उसके अंदर हम मार्क्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी स्टेप के अंदर लेट सपोज आपने एम के अंदर जो है उसके मार्क्स जो है वो 33 डाल दिए, ठीक है, ये भी आप लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्क्स लेट सपोज आपने 33 डाल दिए। तो अब स्टेप टू में क्या कंपेरिजन होगा, क्या अगर मार्क्स जो है वो 33 या 33 से ज़्यादा हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पास, क्यों पास है, अदरवाइज क्या होना चाहिए, वो फेल होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रोसेसिंग के बाद क्या होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेप के अंदर आपने प्रोसेसिंग भी कर ली और आउटपुट भी डिस्प्ले करा दी प्रिंट के फंक्शन से। और स्टेप थ्री में क्या करना होगा, आपको प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि आपने जो काम करना था कर लिया, आपने पहले मार्क्स लिए कीबोर्ड के जरिए, उसके बाद आपने चेक किया कि अगर मार्क्स जो है वो 33 या 33 से ज़्यादा है तो पास है, अदरवाइज क्या वो फेल है। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। ये जो साइन है ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये मेरा ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। आपको समझ नहीं आया तो मुझे फिर यूट्यूब की वीडियो के ऊपर कॉमेंट कर दें, तो मैं दोबारा से कुछ कर लूँगा, वीडियो बना लूँगा। ओके जी, वीडियो कहीं क्लोज़ करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।